क्लास नाइन। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाए थे संयोजी ऊतक और बताया था कि संयोजी ऊतक क्या है, जो परस्पर एक दूसरे को जोड़ कर रखे वही क्या कहलाते हैं, संयोजी ऊतक। और इसमें कई प्रकार के ऑर्गेन्स कार्य कर रहे थे और प्रतिक्रिया कर रहे थे, जिन्हें हमने संयोजी ऊतक कहा था। उसके बाद हमने आपको बताया था अस्थि यानी कि हड्डी, और आज जो है टॉपिक वो है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। कार्टिलेज तो लिखे हैडी डालेंगे उपास्थि कार्टिलेज। उपास्थि कार्टिलेज देखिए, उपास्थि भी है जो अस्थि की तरह ही दृढ़ संरचना है, लेकिन उसे हम अस्थि नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये हड्डी नहीं, ये दृढ़ संरचना है, हमें प्रतीत होती है किसकी तरह, हड्डी की तरह, इसलिए हम इसे वैसे ही नाम दे देते हैं यानी कि उपास्थि। तो लिखेंगे यह एक सुदृढ़, सु माने क्या होता है सुंदर, दृढ़ माने मजबूत, तो यह है एक सुदृढ़ लेकिन लचीला ऊतक है, यानी कि दृढ़ है मजबूत है लेकिन कैसा है, मुड़ जाता है, तो यह एक सुदृढ़ लेकिन लचीला ऊतक है जो दबाव एवं तनाव को सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखता है, मानव के बाह्य कान का सिरा, बाह्य कान कॉमन नाक का सिरा, कॉमन श्वास नलिकाएं के छल्ले, श्वास नलिकाओं के छल्ले एवं बड़ी अस्थियों के सिरे, तथा मेरुदंड, तथा मेरुदंड की कशेरुकाओं के बीच संयोजी ऊतक के बने होते हैं, लिखेंगे मैट्रिक्स में उपास्थि कोशिकाएं फैली होती हैं। उपास्थि की सतह पर पेरिकांड्रियम की पतली व मजबूत झिल्ली होती है, जो रक्षक आवरण का कार्य करती है, अगली लाइन से लिखेंगे उपास्थि में रुधिर वाहिकाएं होती हैं। अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे कान हैं
नाक है तो कान में आप ऐसे कान पकड़ के देखें, कान टाइट है लेकिन उसमें हड्डी नहीं है, यानी कि अस्थि नहीं है, क्या है? उपास्थि है। कैसी है? जो दृढ़ है ना, दृढ़ है, आपको दृढ़ की वजह से कैसी लग रही है और मजबूत है, तो हड्डी नुमा ही लग रही है, लग रही लेकिन हड्डी नहीं है। इसी प्रकार से जो गले की श्वास नली होती है उसके में ऐसे ऐसे छल्ले लगे होते हैं, ये तो ये क्या होते हैं, ये भी उपास्थि के बने होते हैं लेकिन हड्डी नहीं होती है। ऐसे ही जैसे हाथ पैरों में आपने देखा होगा, यहाँ गले में कई प्रकार की ऐसे उपास्थि दिखती है लेकिन वह हड्डी की तरह प्रतीत होती है लेकिन वह अस्थि नहीं होती है। और इनमें क्या होता है, अस्थि में रुधिर वाहिकाएं भी होती हैं जिनके द्वारा क्या होता है, रुधिर पूरे शरीर में फैलता है। तो अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, तो ये आपका हो गया क्या उपास्थि, जिसकी संरचना आपको हम इसी के द्वारा दिखा दे रहे हैं, बनाएंगे इसी को देखेंगे। देखिए ये है उपास्थि का डायग्राम। इस तरीके से जब हम उपास्थि के अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हमें इस तरीके से संरचना दिखाई देती है, जिसमें ऊपर का भाग पेरिकार्डियम, फिर यानी कि जो हमने बताया कि इसमें रुधिर बहता है यानी कि रक्त कोशिका है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स है और उपास्थि कोशिकाएं हैं। तो ये उपास्थि के अनुप्रस्थ काट है जो कि अब आपको दिखा रहे हैं। इस डायग्राम को आपको नोटबुक में नहीं बनाना है, ओके लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, उपास्थि एवं अस्थि में अंतर। उपास्थि उपास्थ एवं अस्थि में अंतर। डिफरेंस इन कॉटिलेज एंड बोन्स, नोट कर लें। उपास्थि एवं अस्थि में अंतर, एक तरफ लिखेंगे उपास्थ और दूसरी तरफ लिखेंगे अस्थि, यानी कि कॉटिलेज और यहां पर बोन, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कॉटिलेज और उस तरफ क्या लिखेंगे बोन। तो लिखेंगे नंबर वन उपास्थि में लिखेंगे यह मैट्रिक्स कॉर्डन का बना होता है, यह मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन का बना होता है, यह मैट्रिक्स कॉर्डन का बना होता है, यानी कि मैट्रिक्स की तो दोनों होती हैं लेकिन इसमें कार्डियन होती है, ठीक है, पहले में मैट्रिक्स कार्डियन, दूसरा इसमें लिखेंगे अस्थि में यह मैट्रिक्स ओशीन का बना होता है, यह मैट्रिक्स ओशीन, यह मैट्रिक्स ओशीन का बना होता है, का बना होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कोशिकाएं, कोशिकाएं अर्धगोलाकार होती हैं, कोशिकाएं अर्धगोलाकार होती हैं, कोशिकाएं अर्धगोलाकार होती हैं और इसमें लिखेंगे कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं, कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं, कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं, यानी कि देखिए जो कि हम आपको पिछली क्लास में बता चुके कि गोल गोल लसिका थी पाई जा रही थी क्या उपास्थि, ठीक है, लेकिन इनमें कैसे अभी आपको दिखाया इसमें आपने कैसी देखी गोल गोल, उपास्थि में अनियमित आकार की थी, आपने देखी थी पलती जैसी संरचना दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी तो उसका कोई आकार नहीं होता है, तो क्या लिखा आपने, कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। अगला लिखेंगे
अब इसमें लिखे गए कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, यानी कि कोशिका कैसे विभाजित हो जाती है कई भागों में। कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। और जब इसमें होती है तो इसमें क्या होगा, नहीं होती है तो लिख ले कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। लिखा, थर्ड पॉइंट था ये। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इनमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है, इनमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है। अभाव का मतलब क्या होता है, ना होना। तो इनमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है तो इसमें क्या होगा, अस्थि मज्जा होती है। इसमें वाले में आप अस्थि में लिखेंगे, इसमें अस्थि मज्जा होती है। सबसे मेन पॉइंट फाइव, यह कोमल व कठोर होती है। देखिए कोमल भी है और कठोर भी है, लचीली भी है। ये कोमल व कठोर होती है, तो ये कैसी होती है, कठोर। कोमल होती है, नहीं होती। हड्डी कोमल होती है, देखिए नहीं होती। कठोर दृढ़ होती है, मजबूत होती है। अगर उसे ऐसे पकड़ के करो क्या होगी, टूट जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन उपास्थि को ऐसे कर दो तो नहीं टूटेगी, लेकिन अस्थि को ऐसे मजबूत ऐसे करो तो टूट जाएगी कि नहीं। जैसे कहीं हम लोग गिर जाते हैं, पैर लगना, जैसे कभी कभी होता है कि पैर में मोच आ गई, या कहीं पर ऐसी चीज हुई कि कुछ दिन तक दर्द हुआ, और कहीं पर जब पैर टूट जाता है तो वो क्या टूटी, हड्डी। और जब मोच खा जाती है तो उसमें किसमें मोच आ गई, उपास्थि में। ठीक है, तो ये आपका उपास्थि और अस्थि में डिफरेंस हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे, तंतुमय संयोजी ऊतक। हेडिंग डालेंगे तंतुमय संयोजी ऊतक, तंतुमय संयोजी ऊतक, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज। लिख लीजिए तंतुमय संयोजी ऊतक, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज। लिख लिया सभी ने। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज क्या है, यानी कि तंतुमय संयोजी ऊतक क्या है। अभी आपने पढ़ा कौन से ऊतक पढ़े थे, स्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, अब क्या है, तंतुमय संयोजी ऊतक। तो लिखें, इनका आकार विभिन्न अंगों को, इनका आकार विभिन्न अंगों को एक दूसरे से बांधे, इनका आकार विभिन्न अंगों को एक दूसरे से बांधे या जोड़े रखना होता है, बांधे या जोड़े रखना होता है। जैसा कि आप संयोजी से ही समझ में आ रहा है कि ये संयोग करके चल रहा है ना। जैसे स्नायु व अस्थिबंध, जैसे स्नायु या अस्थिबंध फिर लिखेंगे, यह है, अगली लाइन से लिखो, यह है संकुचित तथा फैलने वाली। संकुचित का मतलब क्या है, कोई अस्थि जैसे उपास्थि क्या हो, संकुचन कर रही है, बढ़ रही है, फैल रही है, ऊंची जा रही, नीचे जा रही, जैसे हृदय संकुचन करता है। तो यह संकुचित तथा फैलने वाली पेशियों के सिरे को,
फैलने वाली पेशियों के सिरे को अस्थियों के सिरे से बांधकर पेशियों के सिरों को अस्थियों के सिरों से बांधकर पेशियों के खिंचाव तथा दबाव से पेशियों के खिंचाव तथा दबाव से अस्थियों का संचालन करते हैं। दबाव से अस्थियों का संचालन करते हैं। ये ऊतक लचकदार एवं दृढ़ प्रोटीन तंतुओं के बने होते हैं। लचकदार एवं दृढ़ प्रोटीन तंतुओं के बने होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे तरल संयोजी ऊतक। हेडिंग डालिए तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक तो ये तरल संयोजी ऊतक था। इसके बाद
कल हम आपको पढ़ाएंगे रक्त, जो कि सभी जानते हैं कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, चार। तो कल हम उसी के बारे में आपको बताएंगे कि रक्त में कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती हैं और रक्त किस कारण लाल होता है ना, तथा रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये सब हम कल की क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिसका नोट ना हुआ नोट कर लें।